हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप मेरा लुक चेंज देख रहे होंगे, उसकी वजह आपको अभी पता चल जाएगी। और यहाँ पर मैं सीधे नहा कर चली आई हूँ, और जो है मैंने पूजा कर ली है, दिया मैं जला दिया है, क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मैं दिया जला दूँ और उसके बाद मैं अदर काम करती हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर। पूजा करने के बाद मैं स्किन केयर ज़रूर करती हूँ, मैं हर बार बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं स्किन केयर कर रही हूँ, तो मेरी आईज़ में कुछ चला गया था और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, परेशानी कर रहा था, उसी को मैं सही कर रही थी, आप देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बिल्कुल एकदम चुभ जैसा रहा था। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ निविया क्रीम, और निविया क्रीम मेरी फेवरेट है, और जो है वो हर मौसम में मुझे सूट कर जाती है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो। Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness of myself. Hey, Mr. Bully, what'd you think when you pushed me out of my own head where everything made sense? Breathing in the lies that keep me open. From the truth that keeps me holding on. Hi friends, welcome my channel. Good morning friends. सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं तैयार हो गई हूँ। आज सावन का सेकेंड सोमवार था, तो मैंने सोचा कि आज जो है ग्रीन कलर की साड़ी पहनते हैं, सावन मनाते हैं, तो आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। और चलिए नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का पोहा, तो चलिए दिखाती हूँ कि किस तरह से बनता है। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो चलिए किचन में। तो फ्रेंड्स, मैंने बैक कैमरे से शूट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में जो है रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने मिर्चा और जो है प्याज और टमाटर डाल दिया है, और हल्का से फ्राई करेंगे। सॉल्ट भी डाल दिया है, और आप जो भी मसाला डालना चाहो, धनिया मिर्चा हल्दी ये डालना चाहो, नहीं तो रेडीमेड मसाला कोई भी डाल सकते हो। और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड की है। उसको ऐड करने के बाद मैंने जो है ब्रेड यहाँ पर मैंने तोड़ के रखी है, इस तरह से आपको तोड़नी है, और तोड़ने के बाद इस तरह से डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप पोहा बनाएं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड जो है पूरी तरह से कोट नहीं हो पाती और क्रिस्पी भी नहीं हो पाती हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करनी है, हल्की सी मतलब कि क्रिस्पी करनी है, और बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा लगता है। और मैंने लास्ट में हरी धनिया डाल दी है, तो आप देख सकते हो। तो ये देखिए मेरा जो है ब्रेड का पोहा तैयार हो गया है, और इसको आप गरम ही गरम खाइएगा, और इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा। अगर पानी डाल दोगे तो ब्रेड जो है पानी सोख कर लेंगी और वो सॉफ्टनेस आ जाएगी, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर मेरा पोहा तैयार हो गया, बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको ले चलते हैं रूम में और सबको देते हैं पोहा। You're talking like you think you're royalty. You think that. तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है, लगभग 4 से 5 साल बाद मैंने साड़ी पहनी है घर में। वैसे पार्टी में मैं पहन लेती हूँ, मगर घर में नहीं पहनती हूँ। कैसी लग रही हूँ पहले बताइएगा। बहुत सालों बाद मैंने साड़ी पहनी है आज। बाल अभी थोड़े से जो है वेट हैं, गीले हैं, थोड़े से सूख जाए। तो फ्रेंड्स, मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में, और मैंने नाश्ते के बर्तन धुल लिए थे, नहीं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। आपको सबको पता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके धुलती रहती हूँ, तो उन्हीं बर्तनों को मैं समेट रही थी। और आज मैंने कुछ फ्रिज के भी बर्तन खाली किए थे, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे, तो नाश्ते के समय मैंने खाली किए थे और वॉश किए थे, बस उसको अपनी प्लेस पे रख रही थी जो जो चीज़ें थी, तो बस यही कर रही हूँ।
यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और आप सभी जानते हो कि मेरे यहाँ चाय बहुत ज़्यादा बनती है। आप जब भी मेरे ब्लॉग देखोगे अधिकतर मैं चाय बनाती हुई आपको मिलूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। पर मैं नहीं पीती हूँ, मैं सिर्फ मॉर्निंग में और इवनिंग में ही चाय पीती हूँ, मगर मेरे यहाँ दिन भर में आठ नौ बार चाय बन जाती है। जो मेरे ब्लॉग देखते हैं रेगुलर उनको पता होगा। तो बस मैं चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि वहाँ से आवाज़ आ रही थी। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो है ओवर वॉइस कर रही हूँ, ओरिजिनल वॉइस क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो है टीवी चलता रहता है, मूवी चलती रहती है और सॉन्ग्स चलते रहते हैं, तो आवाज़ थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आएगी क्लियर। तो इसीलिए जो है मैं अक्सर करके जो है ओवर वॉइस कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है, क्योंकि एक पैकेट दूध मैंने रख दिया है फ्रिज में, आप देख सकते हो, और एक पैकेट चढ़ा दिया है क्योंकि मैंने तेजस को मॉर्निंग में दूध नहीं दिया था। नाश्ते के समय मैंने ब्रेड का पोहा बनाया था तो उसने नहीं पिया था, तो मैंने सोचा कि अभी पका लेती हूँ और शाम तक मैं उसको दूध दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है सब्ज़ी निकाल रही हूँ और तेजस से बात कर रही हूँ, और उसको फ्रूट्स दिए थे, इसको रख दो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। तो बस मैं सब्जियाँ निकाल रही हूँ, आप देख सकते हो, और सब्ज़ी मैंने निकाल ली है और उसको धुल भी लिया है प्लेट में। और मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू और परवल की सब्ज़ी, तो रसेदार और सूखी, क्योंकि सूखी तेजस खाना पसंद करता है और रसेदार हम लोग खाना पसंद करते हैं, हम और मेरे हस्बैंड खाना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं सोच रही थी मैं क्या निकालूँ क्या निकालूँ। कभी कभी ऐसा होता ना कि किचन में खड़े रहो और भूल जाओ कि मुझे क्या चाहिए क्या चाहिए। और तेजस नाश्ता करके आ चुके हैं, आप देख सकते हो, हैंड वॉश कर रहे हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद वो हैंड वॉश ज़रूर करता है, चाहे वो स्पून से खाए, क्योंकि मिर्ची वाला अगर नाश्ता करता है तो इस वजह से हैंड वॉश ज़रूर कर लेता है, क्योंकि आँख आँख में ना लग जाए। और मैं उससे बातें करती जा रही थी, मजाक करती जा रही थी, तो बस हमारे बात और मस्ती यूँ ही चलती रहती है तेजस के साथ। तो देखिए मैंने एक ही कप निकाला है क्योंकि मैं नहीं चाय पीने वाली हूँ, जो है केवल सुबह और शाम को ही चाय पीती हूँ। ये है मेरा मैजिक पांडा, मैं बस क्रश ना हुआ पाउडर मैजिक पांडा ऐसे तो ए चलो जाओ, ये बोल कर दिए तो यहाँ पर मैं सब्जी काट रही हूँ और तेजस से बातें करती जा रही हूँ। और तेजस जो है मना कर रहा था कि मम्मा प्लीज़ यादी सब्जी मत बनाओ मत बनाओ, मैं कह रही थी नहीं सब्जी खाना भी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो मैं काट रही हूँ और तेजस से बातें करती जा रही हूँ। और मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर किचन में, मैंने स्लेब पर चाय गिरा दी थी तो उसको मैं पोंछ रही हूँ, आप देख सकते हो। तो देखिए, तो चलिए सब्जी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सब्ज़ी के लिए कुकर को चढ़ा दिया है, क्योंकि कुकर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है और फटाफट हो भी जाती है। तो बस मैं यहाँ पर सब्जियों को धुल रही हूँ जैसे आप देख सकते हो। और आप सोच रहे होगे कि मैं काम करते करते बात नहीं करती हूँ आप, तो मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी है, क्योंकि टीवी चलता रहता है तो उसमें बात आपको मेरी समझ में नहीं आएगी। तो मैं सोचती हूँ कि ओवर वॉइस कर दूँगी, आप सबसे बातें भी हो जाएंगी, और मॉर्निंग में रूटीन इतना बिज़ी हो जाता है कि आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपका भी डे ऐसे ही जाता है इतना ही बिज़ी, और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ फटाफट, मगर आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्लो रखूँगी मतलब कि वीडियो को तो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रखा है, इतनी जल्दी मैं कोई भी काम नहीं कर लेती हूँ, मैं सुपर वुमेन नहीं हूँ, बस हाँ काम कर लेती हूँ।
थोड़ा सा समय तो लगता ही लगता है काम में। अगर आपको मेरे वीडियो देखना अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं मेरे व्लॉग, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। इससे मुझे हिम्मत मिलती है, जितने लाइक होते हैं उतनी हिम्मत मिलती है। तो आप देख सकते हो कि मैं फटाफट रोटी की तैयारी कर रही हूँ, रोटी बनाने की। और आज जो मैंने ये साड़ी पहनी, मेरी काफ़ी पुरानी साड़ी है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, आप सभी जानते हो। हर दिन कुछ नया हम लोग को सीखने को मिलता है, हर दिन हम लोग नया रूटीन करते हैं, करते वही हैं मगर कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है, आप सभी को पता है। तो देखिए तेजस आए यहाँ पर शैतानी कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा खाना हो गया तैयार। अगर एक एक चीज़ मैं दिखाती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो चलिए खाना खाते हैं। और ये मेरी देखिए सब्ज़ी तैयार हो गई, ये आलू परवल की रसेदार सब्ज़ी और सूखी सब्ज़ी है तेजस के लिए। और ये रोटी है, आप सभी देख सकते हो यहाँ पर मैंने अनियन काट रखी है, इसमें चाट मसाला डाला जा रहा है। और मुझे सबसे पहले प्यास लगी थी, मैं किचन से आई थी, मैंने एक गिलास पानी पी लिया, आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी। तो मैं टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और बातें भी करती जा रही थी, तेज शैतानी कर रहा था। ये देखिए खाना कम खा रहा था और शैतानी ज़्यादा कर रहा था, आप सभी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया, फाइनली आप सबसे बात करने का मुझे मौका भी मिल गया है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फटाफट नाश्ता बनाना फिर खाना बनाना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको बताऊं कि मेरे घर वाले मुझे क्या बोलते थे जब मैं छोटी थी, तो मुझे बोलते थे बातूनी। और मेरे साथ क्या होता था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे साथ ये होता था कि मुझे जो है कमरे से निकाल दिया जाता था, क्योंकि मैं बहुत बात करती थी, मतलब कि इतनी बात करती थी, इतनी बात, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मुझे जो है क्वेश्चन मार्क कह दिया जाता था। मैं कोई ना कोई बात करती रहती, ये कैसा है, ये ऐसा है, तो यूँ क्यों है। वही आदत मेरे तेजस में भी है, वो भी बहुत बात करता है मेरी तरह। तबीयत की वजह से उसका स्कूल वर्क काफ़ी छूट गया था, तो बस वही वो पूरा कर रहा है दूसरे वाले रूम में। तो फ्रेंड्स बज रहे हैं दिन के 3:30, हाँ 3:30 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड आफ्टरनून।